एडीज मॉस्किटो से काटने से बचने के लिए हमें खुद हर आदमी को उपाय करना होगा, जैसे कि पूरे शरीर को ढक के रखें, हाफ बाजू के कपड़े ना पहने, मॉस्किटो रेपेलेंट या मॉस्किटो नेट्स का प्रयोग करें, घर में जाली हो उनका प्रयोग करें, और एरोसोल स्प्रे भी हम कर सकते हैं। जहां तक सरकारी एजेंसी के तौर पे एमसीजी का सवाल है, एमसीजी स्वास्थ्य विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन में फॉगिंग कराती है, लेकिन फॉगिंग हम सिर्फ सस्पेक्टेड या कन्फर्म केस ऑफ डेंगू या कन्फर्म केस ऑफ मलेरिया में ही करा रहे हैं, क्योंकि फॉगिंग का जो असर होता है वो बहुत इंस्टेंट और बहुत कम टाइम के लिए होता है। उस टाइम जो मॉस्किटो उसके टच में आएगा सिर्फ वो ही मर पाएगा, और ख़ासतौर पे लार्वा और जो स्टेज पे होता है उस पर इसका कोई असर नहीं होता। दूसरा, फॉगिंग से बहुत पोल्यूशन होता है, और इस ये दमा के मरीजों के लिए और बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है। तो फॉगिंग की अपनी लिमिटेशन है, हमें खुद ही इसके काटने के बचने के लिए खुद ही उपाय करने होंगे। जहाँ तक दूसरा उपाय है, यानी हम मच्छर को पनपने ही ना दें, यानी हम उसे लार्वा वाली स्टेज पे ही ख़त्म कर दें, उसके लिए कहीं भी ताज़ा पानी को जमा ना होने दें, यानी हम अपने कूलर को रेगुलरली क्लीन करें, वीकली क्लीन करें, ड्राई करें, और उसका जो पैड होता है उसको भी दोबारा यूज ना करें, मीन्स एक सीजन के बाद अगली बार उसको यूज ना करें, और उसको ठीक से डिस्पोज ऑफ करें, जलाएं। इसी तरह से गमले, फ्लावर पॉट, एसी और फ्रिज, इनके पीछे भी पानी जमा हो जाता है, उसको भी हफ्ते में एक बार सफाई ज़रूर करें। जो डेंगू का मच्छर है ये ताज़ा पानी में होता है और घर के अंदर होता है, अच्छे घरों या अच्छी लोकेलिटीज़ में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ताज़ा पानी में होता है। और जो हम सोचते हैं कि जिनके घर में एसी और फ्रिज है, जो सोचते हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं मच्छर से होगा, उनके यहाँ भी ये मच्छर पैदा हो सकता है।